हेलो एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं और विनय जिस होटल में काम करते हैं फाइनली हम उस होटल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये हमारे लाइफ का फर्स्ट व्लॉग होगा जिसमें हम किसी होटल को एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने किसी होटल को एक्सप्लोर नहीं किया। तो फ्रेंड्स यानी कि उसमें होटल में क्या कुछ बनता है वो भी आप लोगों को पता चलेगा, और कितने का मिलता है यानी कि कितना बड़ा होटल है, और साथ साथ में उसका होटल का नाम। तो फ्रेंड्स हम फाइनली पहुंच चुके हैं हम जिस होटल में काम करते हैं वहीं पे। तो फ्रेंड्स धूप काफी है तो अब हम चलते हैं कैफे लेमन्स के अंदर और वहां कुछ खाने पीने की चीजें भी देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं। तो अभी हम कहीं पे बैठने की जगह ढूंढते हैं और बैठते हैं फिर कुछ चीज खाने के ट्राई करेंगे। तो अभी देख सकते हो काफ़ी यानी ठंडा और काफ़ी एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हो। काफ़ी यानी कि मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने आना ही एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। Unless you check his chest, what's happening next? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't it. So friends, ye hamara first time tha jo humne kisi hotel ko explore kiya hai, kyunki isse pehle humne waise vlogging ki hai, ye aap logo ko bhi pata hai. तो अभी हम यानी कि मेन्यू दिखाते हैं आप लोगों को, और हम भी कुछ मेन्यू हम भी कोई चीज़ देखते हैं हमारे लायक तो हम खाते हैं उसको या पीते हैं, जो भी हमें बेस्ट लगता है, हमें जो बेस्ट लगेगा वही हम ट्राई करेंगे। बाकी आप लोग भी देख लो, अगर यानी आप लोग वीडियो पॉज करके अगर कुछ खाना यानी चीज़ें देखना चाहते हैं तो देख सकते हो। देख सकते हो यानी कि फिश है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने अपने लिए कुछ चीज़ सिलेक्ट कर रखी है जो कि लो बजट में हो, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हम अभी जैसे काम करते हैं। तो मैंने तो इधर से एक चीज़ सर्च कर रखी है ये वाली, मुझे तो ये सारे देखो ना सारे प्राइसेस हाई लग रहे हैं, तो मैंने ये वाली चीज़ रेकमेंड करी है कि ये ही लूँगा, ग्रीन टी। तो फ्रेंड अभी हम बैठ चुके हैं, जैसे ग्रीन टी आती है तो फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे और हम लोग भी पियेंगे। तो भाई ये दो, ये ग्रीन टी, ग्रीन टी ओके हो गई। तो चलो जल्दी से ले। तो फ्रेंड ये हमारी यानी के लास्ट यादें हैं इस कैफ़े में, क्योंकि वैसे तो कैफ़े में तो आ ही सकते हैं, किचन में नहीं जा सकते। यहाँ पे हमारे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं, दोस्त भी हैं, क्योंकि मेन्यू आप लोगों ने देख लिया है, उसमें से जो चीज़ आपको बेस्ट लगे आप खा पी सकते। आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी माहौल भी काफ़ी प्यारा बना रखा है, पेड़ पौधे भी हैं, सब कुछ नॉर्मल यानी नेचुरल लगता है। ग्रीन टी ना समझो कि मेरा फेवरेट है, मैं कभी चाय नहीं पीता, हालांकि पाकिस्तान में ना सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चाय है। जब कोरोना आया था ना कोरोना, तब लोगों ने 24 बिलियन की चाय पी ली थी, 24 बिलियन चाय में खर्च कर दिए पाकिस्तानी अवाम ने, और मैं अकेला जिसने चाय एक घूट भी नहीं पी, मैं चाय पीते नहीं, कभी भी नहीं पीता। माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए कोई शरबत चाहिए उसे चाय बोलते हैं, तो बट वही काम वो ग्रीन टी कर रही है तो इस वजह से मैं ग्रीन टी पीता हूँ। ग्रीन टी आ चुकी है हमारी फाइनली ग्रीन टी, तो अब हम आप लोगों को भी दिखाई देते हैं। तो तो फ्रेंड अब हम फाइनली ग्रीन टी को टेस्ट करते हैं, लेमन हमने इसमें डाल दिया है, तो अब इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा टेस्ट। मैं भी आप लोगों को काफ़ी फर्क लग रहा होगा, मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा आपने गेहूं वाली या उससे पहले वाली वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कितना मोटा ताज़ा था। अब तो काफ़ी घूम फिर के ये होटल वगैरह हम काम करते हैं ना, इस वजह से काफ़ी थक चुके हैं, हाँ खड़े हो रह कर कितने घंटे ड्यूटी करते हैं आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स जब ग्रीन टी में लेमन डाला जाता है ना तो उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें अभी से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है यानी हमारा फैट पिघलना स्टार्ट हो गया, ये सच बात है क्योंकि हमें काफ़ी पसीना हो रहा है। तो गर्मी हो रही है देख सकते हो, फिनिश हो गया। तो अब हम चलते हैं किचन की ओर, आप सभी स्वागत है, तो चलते हैं किचन। तो फ्रेंड्स अब हम किचन में, गुड मॉर्निंग भाई, ये भाई भी यहाँ पर काम करते हैं, तो मैं जल्दी से अपनी कैप पहन लेता हूँ क्योंकि किचन में आ चुके हैं ना। तो अभी ये हमारी यानी के कॉलेज की तरफ से दी गई है वही है।
और आप लोगों को दिखाता हूँ ये जो यानी कि डिपार्टमेंट है या ये किचन है, ये पाकिस्तानी फूड का है। यहाँ पे सारी ये जो लगे हुए स्टफ, यहाँ पे पाकिस्तानी फूड ही बनता है। मतलब कि सारी कढ़ाइयाँ, सारी दाल वाल सब कुछ यहीं पे बनता है। सारे स्टफ लगे हुए हैं, जो कुछ बनता है वो बनाने की ट्राई भी करते हैं। तो ज़्यादातर इधर चिकन होता है, तो हम यानी कि वो तो नॉनवेज हम घर नहीं बना सकते, इस वजह से हम घर ट्राई नहीं करते, और बाकी जो चीज़ें वो इधर ही ट्राई करते, इधर ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो अभी जैसा कि ये हो रहा है, और आगे जो साइड है उधर होता है चाइनीज़, तो वो अभी थोड़ा साफ सफाई चल रही है, तो वो हो जाए फिर आप लोगों को वो एरिया भी दिखा दूंगा। उसके आगे जो होता है अब हम जाने वाले हैं यानी चाइनीज डिपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पे चाइनीज किचन है, जहाँ पे चाइनीज चीजें बनती है। तो अभी हम प्रवेश कर चुके हैं, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा लाइट चली गई है। तो फ्रेंड्स ये सारे मसाला हैं जो यूज किए जाते हैं चाइनीज डिशों में, तो देख सकते हो ये सारी चीज़ों का करीबन आप लोगों को पता ही होगा। केचप, वस्टर सॉस, सोया सॉस, लेमन जूस, ये मस्टर्ड येलो फूड कलर, और ये है वस्टर सॉस। तो ये सारी सॉसेज और बहुत सारे मसाले वगैरह, ये सभी तो यूज़ होते ही हैं, नॉर्मल से हैं ये सभी। तो आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को जहाँ पे चपाती बनती है वो जगह दिखाते हैं, तंदूर दिखाते हैं। तो यहाँ का तंदूर देखें, यहाँ पे रोटी बनती है। तो यहाँ पे हम एक रोटी बनाना चाहेंगे चपाती। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. अभी हम इतना मास्टर नहीं बने हैं जितना बना सकते हैं, यानी खाने लायक बन चुकी है। तो फ्रेंड इसको काटने के लिए ना सिंपल सा है, इसको यहाँ पे रखो, तो आप कितना यानी के इजी है निकालने में। हमने काटे, मतलब हमने छिले, मेरे भाई और मैंने। तो देखो कैसे हम ट्राई कर रहे हैं। तो प्याज का ऐसा, ओनियन का ऐसा है कि मेरे कहीं दूर भी कट कर रहे हो ना, फिर भी मेरी आंखों में इनका धुआं आता है। जब हमारे घर में कट होते तो मैं घर से बाहर चला जाता हूँ, अभी इधर काटने पड़ रहे हैं। देखो सीरियसली मेरी आंखों में जा रहा है इसका। तो फ्रेंड ये ना डबल स्टीम चावल है, पहले इनको पानी में उबाला गया, फिर इसको यानी के स्टीम दी गई है। तो यानी कि ये एक वीक तक चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देसी मुर्गी के पीस हैं जिनको बारबेक्यू किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स खाना आ चुका है, तो अब खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली ये देखो सब्जी आ चुकी है, दाल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। समोसा पार्टी, पोटैटो समोसा। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I want to be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'm a break off from the weak mind. तो भैया अभी हम खाना खाने वाले हैं, चपाती और उसमें है दाल, और हम दोनों Stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep who feed hurt it easy. You
You could try to play, but you're never gonna be. तो फ्रेंड्स, अब हम इस किचन को छोड़ के जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट डे है और जो टाइम गुजरा हमारा काफ़ी अच्छा रहा और हम इस जगह को मिस भी करेंगे। तो आज हमारा लास्ट डे था, आज इंटर्नशिप हो गई। 10 दिन काफ़ी तेज़ी से गुजर गए, पता ही नहीं चला। तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा हमारा, काफ़ी अच्छा लगा हमें, और यानी कि बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का जो स्टाफ थे सभी यानी कि बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही नाइस लोग हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आप लोग भी ट्राई करोगे इधर आने का। तो अभी हम चलते हैं। तो इवनिंग का टाइम है, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये हमारा है बाइक, ये मेरा बाइक खड़ा है। तो विनय भाई भी आ गए हैं, विनय भाई। और ये यानी कि कैफे लेमन्स जो है ये टाउन हॉल के सामने है। तो ये आप लोगों को दिख रहा है कैफे लेमन्स और टाउन हॉल के सामने। तो हमारे जो जितने भी दिन बीते यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो फ्रेंड्स, सामने से ना खतरनाक सूरज हमारे आंखों में पड़ रहा है, तो हम थोड़ा सा शेडो में जाते हैं। अब आ चुके हैं हम थोड़ा सा शेडो में। तो काफ़ी अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। थोड़ा सा हमें कैद लगती थी क्योंकि यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो अब हम फ्री हो चुके हैं और ये कैफे लेमन्स वाले तमाम स्टाफ काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, अच्छा है और वेरी दिल से अच्छा है। तो क्योंकि हम जो तारीफ करें वो दिल से करें, दिल से तारीफ। जब भी आप रहीम खान में कैफे लेमन्स को जरूर विजिट कीजिए, ये टाउन हॉल के पास ही है और बहुत अच्छे लोग हैं। हमने यानी कि बहुत जगहें घूमी हैं बस, बट ऐसे लोग हमें नहीं मिले, ये सच बात है। क्योंकि हमने जो भी इतना टाइम गुजारा है, तो आई होप बाकी बातों को रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें हमें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, धन्यवाद धन्यवाद।